नमस्कार साथियों, मैं हूं अविनाश शर्मा। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पॉजिटिव बिल्डर में। तो अभी मैं आपको जो है वो स्टार्टर के बारे में बताऊंगा। जो आपका स्टार्टर है वो कॉलम में क्यों प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉलम के बिल्कुल बॉटम में जो है वो यहाँ पर स्टार्टर दिया गया है। स्टार्टर को देने का फ़ायदा ये रहता है कि एक तो हम नीचे जो क्लियर कवर रहता है 40 mm का आपके स्टील से और शटरिंग के अंदर के सरफेस तक 40 mm का क्लियर कवर होना चाहिए। तो स्टार्टर क्या करता है कि क्लियर कवर या फिर क्लियर डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए और आपकी जो शटरिंग है उसे पोजीशन में रखने के लिए आपका ये स्टार्टर काम आता है। तो ये जो स्टार्टर होता है, आप जैसे 1:1.5-3 की रेशियो में मान लीजिए आपने कॉलम को कास्ट कर रहे हैं, M20 ग्रेड की कॉन्क्रीट का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमेशा स्टार्टर में जो है वो आपको कॉन्क्रीट की रेशियो को ज़्यादा रखना है। जैसे कि आप है जैसे M20 का आप यूज़ कर रहे थे कॉलम में, तो आप जो है वो M25 का स्टार्टर में यूज़ करेंगे। इस तरह से एक स्टेप ऊपर की जो कॉन्क्रीट है जो जिसमें ज़्यादा मजबूती हो, उस कॉन्क्रीट रेशियो का आपको इस्तेमाल करना है। और ये जो स्टार्टर रहते हैं ये आपको ध्यान से देखना है कि सभी जो चारों तरफ से जो है वो स्टार्टर का डिस्टेंस, जैसे कि क्लियर कवर का डिस्टेंस है, वैसे ही स्टार्टर में भी 40 mm जो है वो डिस्टेंस आपका चारों तरफ रहना चाहिए। तो ये जो स्टार्टर हैं वो कॉलम को कास्ट करने से पहले जो है वो कास्ट कर दिए जाते हैं, ताकि आपकी शटरिंग जो है वो कॉलम की जो फोम वर्क है वो पोजीशन में रहे और आपको जो है वो कॉलम की कास्टिंग करने में आसानी हो। स्टार्टर जो है वो बनाए जाते हैं, कास्ट किए जाते हैं और फिर हम जो है वो कॉलम की कास्टिंग जो है वो करते हैं। और आप इसे कास्ट करने के बाद जो है वो जैसे ही आपकी कॉन्क्रीट सेट हो जाएगी, सूख जाएगी, तो आप इसे आसानी से 3-4 घंटे के बाद भी निकाल सकते हैं, फिर 4-5 घंटे के बाद भी निकाल सकते हैं और दूसरे दिन जो है वो आप अपने कॉलम की कास्टिंग कर सकते हैं। तो अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो पॉजिटिव बिल्डर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो और जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।